Now we are discussing the shape of molecules in which central atom is having 6 pair of electrons. हमने पहले डिस्कस करा था 4 पेयर और 5 पेयर के भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कस कर रहे हैं जिनके सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है SF6. N by 2 की रूल की हमने बात करी थी, अब हम SF6 को डिस्कस कर रहे हैं. N by 2 के हिसाब से वैलेंस प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स एनायनिक माइनस कैटायनिक बाय 2, ये हो गया. सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इसके साथ कितने अटैच्ड हैं? 6 है. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू ये कितनी आ गई? 6. अब सल्फर के साथ एटम भी 6 लगे हैं और वैल्यू भी 6 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉन्ड पेयर 6 है और 0 लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया? 0 लोन पेयर. अब हमें इन लोन पेयर्स को इस बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है. अगर सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं. अब देखो यहाँ पे, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये सल्फर को हम सेंटर में ले जाते हैं, तो यहाँ पे चारों कॉर्नर के ऊपर ये फ्लोरीन एटम आ गए और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. एक फ्लोरीन एटम अबव द प्लेन होगा और एक फ्लोरीन एटम बिलो द प्लेन होगा. इसमें ऑल एंगल बॉन्ड एंगल आर ऑफ 90 डिग्री और इस ज्योमेट्री को आप क्या बोलोगे? स्क्वायर बाय पिरामिडल. ये भी बोल सकते हो या फिर इसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है ये चीज. अब अगर इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आते हैं, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे हैं, तो आप एक्सियल पोजीशन अबव या बिलो द प्लेन भी रख सकते हो और या फिर आप इन जहां पे चार ये फ्लोरीन एटम है इस प्लेन में भी रख सकते हो. ये स्क्वायर प्लेन ऐसे है, ये स्क्वायर प्लेन ऐसे हुआ और एक फ्लोरीन एटम ऊपर है और एक फ्लोरीन एटम नीचे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री थी. पर ट्राइगोनल में इस प्लेन में 120 डिग्री का एंगल था और यहां पे 90 था, और यहां पे इसके स्क्वायर प्लेन में या अबव ये 90 डिग्री है, तो यहां पे अगर एक लोन पेयर आएगा तो आप अबव या बिलो या किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो स्क्वायर प्लेन में. अगर दो लोन पेयर आते हैं तो हम उन्हें 180 डिग्री अपार्ट रखेंगे, ठीक है. अब किसके कितने पे रखेंगे? 180 डिग्री अपार्ट रखा जाता है. तो हम अगला डिस्कस कर रहे हैं केस ज़ीनॉन F4 का. देखिए अब आप N by 2 के हिसाब से वी आर डिस्कसिंग ज़ीनॉन F4. N by 2 के हिसाब से देखो यहाँ पे वैल्यू, ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस, और फ्लोरीन तो हमें पता ही है कि मोनोवेलेंट एटम होती है, तो 4 फ्लोरीन एटम हो गए, तो 8 प्लस 4 बाय 2 वैल्यू कितनी आ गई? 6, ठीक है. हम ज़ीनॉन F4 डिस्कस कर रहे हैं. अब इसके साथ एटम 4 लगे हुए हैं, तो इसमें से 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 क्या हो गए? लोन पेयर हो गए, ठीक है ये चीज. तो अब इसकी ज्योमेट्री तो हमें 6 पेयर के हिसाब से ड्रॉ करनी है, तो ज़ीनॉन को अपने ये लिया, तो ये यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम हो गए, ठीक है, स्क्वायर प्लेन में, और 2 लोन पेयर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. इसको हमने क्या रखा? 180 डिग्री अपार्ट रखा. इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आपने अबव एंड बिलो रखने हैं. अब इसकी शेप का क्या नाम होगा? इसकी शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर. अब हम डिस्कस करेंगे ज़ीनॉन OF4 को. डिस्कस कर रहे हैं ज़ीनॉन OF4. अब आप देखो यहाँ पे, अगर ज़ीनॉन OF4 पे N by 2 की वैल्यू देखें तो ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. अब ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है तो अब यहाँ पे ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये क्या है? डाईवेलेंट है. तो अगर डाईवेलेंट है तो इसको तो हमें कंसिडर नहीं करना, तो 4 फ्लोरीन एटम, 8 प्लस 4 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई. अब ज़ीनॉन के साथ एटम 5 लगे हैं और वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब 6 में से ये 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है. समझ आगे बात? तो इसकी ज्योमेट्री भी डेफिनेटली जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से डिस्टॉर्ट कर जाएगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ चुका है. अब हमने इसकी जब ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, देखो यहाँ पे कैसे करना है, ये रहा, ये 4 कॉर्नर पे हमने फ्लोरीन एटम लगाए, अब इसमें एक लोन पेयर ऊपर हो गया, ऑक्सीजन एटम. अब ऑक्सीजन एटम डाईवेलेंट है तो इसके साथ डबल बॉन्ड आएगा. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऑक्सीजन को यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्शन जो है
वो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होती है, इट इज़ ग्रेटर देन दी लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड के बीच की जो रिपल्शन होती है। तो अगर उसमें रिपल्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम उसे दूर रखेंगे। दूर रखने पे ही तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो इसीलिए लोन पेयर और ऑक्सीजन को हमने कितने एंगल पे रखा है, 180 डिग्री पे रखा है और फ्लोरीन को स्क्वायर प्लेन के अंदर रखा है। अब इसको नेम क्या होगा, इसका नेम होगा स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाता है इस ज्योमेट्री को। समझ आ गया आपको ये कैसे करना है, ठीक है। अब अगले केसेस जो हैं उसमें हम करेंगे जब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब वाला केस डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें हमारे पास केस आ जाएगा, दैट इज IF7 ज़ीनॉन F6, ये दो आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं IF7, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं IF7 को, N/2 आयोडीन सेंट्रल एटम हुआ, तो सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, और इसके साथ मोनोवेलेंट एटम कितने लगे हैं, 7 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक। अब इसके साथ एटम भी 7 है और वैल्यू भी 7 है, तो 7 बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर हो गया, तो N/2 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो 7 का मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये सातों के सातों बॉन्ड पेयर हैं, ये कैसे पता चला, क्योंकि एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ 7 एटम ही लगे हुए हैं, तो सातों बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर हो गया। अब इन 7 पेयर को हम अरेंज कैसे करेंगे, हम अरेंज करेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल में। कैसे अरेंज करेंगे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो उसमें हमने ड्रॉ करा, देखिए ये पेंटागन बन गई, पेंटागन बन गई, तो यहाँ पर एक अबव द प्लेन हो गया और एक बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। तो एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब 5 आयोडीन कहाँ पर आ जाएंगे, इस पेंटागन के प्लेन में आ जाएंगे। समझ आ गई बात, कि ये पेंटागन हो गया, ये पेंटागन हो गया, ठीक है। 5 कॉर्नर हो जाएंगे इसके, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। तो इसमें 105 डिग्री एंगल होता है और उसमें अबव एंड बिलो 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे हमने इस ज्योमेट्री को क्या लिखा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो गई। तो बॉन्ड एंगल पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है, बॉन्ड एंगल इसमें आ जाता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है पेंटागन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा, ये 72 डिग्री आ जाएगा और एक 90 डिग्री आ जाएगा अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। मतलब इसका इन पांचों फ्लोरीन एटम से जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और 72 डिग्री हो गया पेंटागन के अंदर, IF के बीच का बॉन्ड एंगल इन दी पेंटागन, ठीक है। तो अब अगर इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन को कम करने के लिए उन्हें दूर रखा जाएगा। तो 72 डिग्री और 90 डिग्री में से हम कहाँ पे रखेंगे, 90 डिग्री पे बड़ा ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम अबव और बिलो द प्लेन प्रेफर करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे वो ज़्यादा दूर हो जाएंगे, 72 डिग्री पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो हमें रिपल्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तभी मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब आप देखो अगला केस है ज़ीनॉन F6 का। अब हम ज़ीनॉन F6 को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फिर से वही N/2 की वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसी के हिसाब से ज्योमेट्री होती है, ठीक है। उस ज्योमेट्री को अरेंज करा जाता है ना, सो दैट दे हैव अ मिनिमम रिपल्शन। तो ज़ीनॉन F6 में ज़ीनॉन नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 6 मोनोवेलेंट एटम, डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। ज़ीनॉन के साथ एटम कितने लगे हैं, 6, तो 7 में से 6 क्या हो गए हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो 7 वैल्यू जैसे ही आई वैसे ही हमने डिसाइड क्या कर लिया, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो हमने ड्रॉ कर दिया पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये ड्रॉ हो गई, ज़ीनॉन सेंट्रल में आ गया, ठीक है। अब लोन पेयर जो है वो हमने अबव द प्लेन रखना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इससे लोन पेयर और इन सभी बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर हम इस पेंटागन के अंदर रखेंगे तो वो बॉन्ड एंगल कितने पे आ जाएगा, 72 डिग्री पे आ जाएगा, और 72 डिग्री पे उसमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हमने फ्लोरीन एटम को प्लेस करा,
तो एक ज़ीनॉन F6 हो गया, ठीक है। इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है, इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। और वैसे डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बायपिरामिडल है या पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल भी कहेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये, तो ये जो टॉपिक था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर था। तो अगर आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल और आप दूसरे लोगों को भी रेफर करें। थैंक यू।